नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में शेयर चैट ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहां पर डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम शेयर चैट ऐप को बहुत देर से डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा है और यहाँ पर मेरा जो शेयर चैट ऐप है वह डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में, आपके मोबाइल में डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर लोग अपना मोबाइल डाटा ऑन करना भूल जाते हैं और वहाँ पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने लगते हैं, जिसके कारण उनका ऐप डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ से मोबाइल डाटा ऑन है, उसके बावजूद भी आपका शेयर चैट ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के थोड़ा देर बाद फिर से इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर से आपको अपने फ़ोन में शेयर चैट ऐप को डाउनलोड करके देखना है कि आपका ऐप डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है। तो चलिए गूगल प्ले स्टोर को ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद नीचे में आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लियर और डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे में यहाँ पर आपको एक रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो अब आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा सिम वन और मोबाइल डाटा सिम टू दोनों ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर दोनों ऑप्शन में अगर आपका टिक नहीं है, तो यहाँ से इस तरह से आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आपका वहाँ पर टिक है तो यहाँ से आपको टिक रहने देना है। उसके बाद आपको कट करना है। तो चलिए यहाँ से इसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद आपको रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऊपर में सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि शेयर चैट सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर हम शेयर चैट सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर चैट दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको शेयर चैट को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक या दो सेकेंड के लिए डाउनलोड पेंडिंग दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से यह ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा शेयर चैट ऐप डाउनलोड हो रहा है और आपके फ़ोन में जितना स्पीड नेट होगा उतना स्पीड यहाँ से डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो मेरा ऐप है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ से इंस्टॉल होने लगा है। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से कट कर देना है। तो अगर आपके फ़ोन में शेयर चैट ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।